Welcome back guys in our discrete math series. Today we will discuss some special type of graph. First of all, हम लोग ये जान लेते हैं ये सब होते क्या है. Complete graph, regular graph, null graph, bipartite graph, sub graph, isomorphic graph, homomorphic graph, directed and undirected graph, ये सारे हमारे special type of graph होते हैं और इन सब पर discussion हम लोग इस lecture में detail में करेंगे. तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं complete graph की. कंप्लीट ग्राफ क्या होता है. कंप्लीट ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें एग्जैक्टली वन एज प्रेजेंट बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स. इट इज डिनोटेड बाय के एन, जहाँ पे एन जो होता है वो नंबर ऑफ वर्टेक्स होता है. अब हम लोग इस चीज को डेफिनेशन के अलावा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. तो चलिए बात करते हैं के टू. टू यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टेक्स है. तो यहाँ पे हमारा ए और बी दो वर्टेक्स हो गई और उनके बीच में एग्जैक्टली वन एज प्रेजेंट है. तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया कंप्लीट ग्राफ का. ऐसे ही के थ्री में ए बी सी हमारी तीन वर्टेसेस हैं और उनके बीच में एग्जैक्टली वन वन एजेस प्रेजेंट हैं. तो ये भी हमारा एग्जाम्पल हो गया कंप्लीट ग्राफ का. तो ये दोनों हमारे एग्जाम्पल हैं कंप्लीट ग्राफ के. अब चलिए आगे बात करते हैं रेगुलर ग्राफ की. रेगुलर ग्राफ क्या होता है. रेगुलर ग्राफ इन विच एवरी वर्टेक्स हैव सेम डिग्री. कोई भी ग्राफ में अगर सभी वर्टेक्स की डिग्री सेम होती है तो ऐसे ग्राफ को ही हम लोग रेगुलर ग्राफ कहते हैं. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं. ए की डिग्री क्या है. डिग्री क्या होता है. डिग्री वो होता है जो किसी भी वर्टेक्स से जितने नंबर ऑफ एजेस पास होते हैं वो उस वर्टेक्स की डिग्री होती है. जैसे ए से दो एजेस पास हो रही है तो ए वर्टेक्स की डिग्री टू है. ऐसे ही बी वर्टेक्स की भी डिग्री टू है. सी वर्टेक्स की भी डिग्री टू है. तो डिग्री ऑफ ए इज इक्वल टू टू, डिग्री ऑफ बी इज इक्वल टू टू, डिग्री ऑफ सी इज इक्वल टू टू. तो यहाँ पर हमारा सभी वर्टेक्स की डिग्री सेम आ रही है तो इस ग्राफ को हम लोग रेगुलर ग्राफ कहेंगे. अब आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं व्हाट इज नल ग्राफ और एम्प्टी ग्राफ, वॉइड ग्राफ. वो ग्राफ जिसमें आइसोलेटेड वर्टेक्स प्रेजेंट हो तो उस ग्राफ को हम लोग नल ग्राफ या एम्प्टी ग्राफ या वॉइड ग्राफ कहते हैं और इसको हम लोग NK से डिनोट करते हैं. यहाँ पर V1 और V2 एक आइसोलेटेड वर्टेक्स है. सो इससे जो भी ग्राफ बना है वो नल ग्राफ, एम्प्टी ग्राफ, वॉइड ग्राफ होगा. आइसोलेटेड वर्टेक्स वो वर्टेक्स होता है जिसकी डिग्री जीरो होती है. यहाँ पे V1 और V2 दोनों की डिग्री जीरो है तो यहाँ पर आइसोलेटेड वर्टेक्स प्रेजेंट है. इसीलिए ये एग्जाम्पल है नल, एम्प्टी और वॉइड ग्राफ का. अब चलिए आगे बात करते हैं व्हाट इज बाइपार्टाइट ग्राफ. बाइपार्टाइट ग्राफ क्या होता है. बाइपार्टाइट ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसको हम लोग दो सेट में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर ए और बी एक सेट में कंसिडर कर लिया गया, सी डी ई एक सेट में कंसिडर कर लिया गया. अब हर ए एलिमेंट दूसरे सेट के हर एलिमेंट से कनेक्टेड होगा. देखिए ए सी से कनेक्टेड है, ए डी से कनेक्टेड है, ए ई से कनेक्टेड है और दूसरा बी भी हर एलिमेंट से कनेक्ट होगा. देखिए बी सी से कनेक्टेड है, बी डी से कनेक्टेड है, बी ई से कनेक्टेड है. तो जब किसी एक सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट होगा पर ये दोनों एक ही सेट के दो एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे तो ऐसे ही ग्राफ को हम लोग बाइपार्टाइट ग्राफ कहते हैं और इसको हम लोग के एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं. के एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं. चलिए एक एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग और देख लेते हैं. के फोर टू. तो यहाँ पर हमारे एक सेट में चार एलिमेंट है और एक सेट में दो एलिमेंट है. इसका हर एलिमेंट इससे कनेक्टेड है बट किसी भी एक सेट के दो एलिमेंट आपस में कनेक्टेड नहीं है, चाहे ये वाला सेट हो चाहे ये वाला सेट हो. तो ऐसे ही ग्राफ को हम लोग बाइपार्टाइट ग्राफ कहते हैं. अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं सब ग्राफ की. सब ग्राफ क्या होता है. सब नाम से ही पता चल रहा है कोई भी ग्राफ अगर अपने सुपर ग्राफ से बना होगा
तो ऐसे ग्राफ को ही हम लोग सब ग्राफ कहते हैं। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ग्राफ एच वी डैश ई डैश इज कॉल्ड सब ग्राफ ऑफ जी वी ई इफ वी डैश सब ग्राफ हो वी का एंड ई डैश सब ग्राफ हो ई का। तो यहाँ पर जी वी ई को हम लोग सुपर ग्राफ कहते हैं एच वी डैश ई डैश का। और वी डैश क्या है? वी डैश है हमारा सब ग्राफ के नंबर ऑफ वर्टेक्स और ई डैश क्या है? सब ग्राफ के नंबर ऑफ एजेस। यहाँ पे ये ग्राफ इससे ही बना हुआ है, ये सुपर ग्राफ है और ये सब ग्राफ है। सो इससे ये पता चलता है जब कोई ग्राफ अपने सुपर ग्राफ से बना होता है तब उस ग्राफ को ही हम लोग सब ग्राफ कहते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं आइसोमॉर्फिक ग्राफ या आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ। किन्हीं भी दो ग्राफ को हम लोग आइसोमॉर्फिक ग्राफ तब कहेंगे या ये कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक ग्राफ है जब वो दोनों इन दो कंडीशंस को फॉलो करेगा। बोथ ग्राफ हैव सेम नंबर ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस, डिग्री सीक्वेंस ऑफ बोथ ग्राफ आर सेम। जैसे यहाँ पर जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स इसमें है उतने ही नंबर ऑफ वर्टेक्स इसमें है, जितने नंबर ऑफ एजेस इसमें है उतने ही नंबर ऑफ एजेस इसमें है, जितनी डिग्री इसमें होगी हर वर्टेक्स की उतनी ही डिग्री हर वर्टेक्स की इसमें होगी। तो ऐसे ही ग्राफ को हम लोग आइसोमॉर्फिक ग्राफ कहते हैं। ये कहते हैं कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं होमोमॉर्फिक ग्राफ की। टू ग्राफ आर सेड टू बी होमोमॉर्फिक इफ वन ग्राफ कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर बाय द क्रिएशन ऑफ एजेस इन सीरीज। इसका मतलब ये हुआ कोई भी दो ग्राफ होमोमॉर्फिक तब होते हैं जब उसमें दूसरा ग्राफ पहले वाले ग्राफ के या तो एक एज के हटने से बन रहा हो या तो एक एज के ऐड होने से बन रहा हो। मतलब यहाँ पे कोई भी दो एज आपस में मर्ज भी हो सकती है या कोई एक्स्ट्रा एज आकर के इसमें इंक्लूड भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल में देखिए ये दोनों एजेस मर्ज होकर के एक एज में कन्वर्ट हो गए। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा होमोमॉर्फिक ग्राफ का। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्टेड ग्राफ की। डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है? ग्राफ दैट हैव डायरेक्शन नोन एज डायरेक्टेड ग्राफ। कोई भी वो ग्राफ जिसमें डायरेक्शन गिवन आ जाती है उस ग्राफ को हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। जैसे अभी तक हम लोग जितने भी एग्जाम्पल देख रहे थे उसमें डायरेक्शन नहीं गिवन थी, यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्शन दे दी, तो ऐसे ग्राफ को हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। और इसकी डिग्री क्या होती है? इसकी टोटल डिग्री होती है इन डिग्री प्लस आउट डिग्री का, ये फॉर्मूला होता है। तो थैंक यू गाइस, ये सारे ग्राफ हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।